केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर किसानों ने फिर किया प्रदर्शन। जल सत्याग्रह के बाद कलेक्ट्रेट का किया घेराव। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटर प्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर किसानों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि यहाँ पे शासन प्रशासन हमें सही मुआवजा दे और पर व्यक्ति के हिसाब से 25 लाख रुपए का यहाँ पे मुआवजा देना चाहिए। इसके अलावा सरकारी नौकरी भी मिले। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 22 गाँव के लोग यहाँ पे किसान जो हैं वो सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों जल सत्याग्रह किया गया और अब एक बार फिर कलेक्ट्रेट में एक साथ घिराव करते हुए करीब 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और यहां पे किसानों को समझाया गया और यह कहा गया कि आप लोगों की मांग पत्र को ऊपर स्तर तक भेजा जाएगा और जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, मगर किसान अपनी बात पर अड़े हैं। उनका कहना है कि हम लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, इसके अलावा घर में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तमाम चीज़ों को लेकर किसान अपने कदम से पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसीलिए लगातार केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चावर के लोगों ने केन बेतवा के परियोजना में कुछ मांग रखी है, उनकी मांग का निराकरण शासन स्तर पर किया जाएगा। ये उन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के अनुसार कार्रवाई सर जाम लगा रहे हैं सर, वो लोग यहाँ पर जाम नहीं लगा रहे हैं, यहाँ जाम लगा हुआ है। आप भी मौके पर हैं और आपके यहाँ जाम नहीं लगा हुआ है? अभी कोई जाम नहीं लगा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई जाम नहीं। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण की, उनका सही सही मांग कर मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रशासन उनके लिए भूवर्जन अधिकारी SDM बिजावर हैं और उनके अनुसार नियमानुसार सारी कार्रवाई हो रही है, मांग के अनुसार ही कार्रवाई। सर उनका कहना है ज्ञापन नहीं लिया गया, 4 घंटे से हम लोग बैठे हैं पैजामा से। ज्ञापन के लिए लगातार कोशिश किया गया है, मगर उन्हें कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर, तमाम लोग उनके ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर से मिलने की मांग कर रहे हैं। मिलने के लिए कभी भी स्वतंत्र है, कभी भी मिल सकते हैं। ज्ञापन नहीं, आदिवासी हैं पूरे क्षेत्र के, फिर भी नहीं मिलने आए कलेक्टर साहब। सब मिलने के लिए तैयार है, ज्ञापन ले लिया हूँ। जैसा कि हम लोग लगातार देख रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना में जो है 22 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जिनके घर संसार डूब रहे हैं, उनके साथ सरकार का जो बर्ताव है बहुत ही अमानवीय है। लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों की हत्या की जा रही है, हमको ना नोटिस दिया जा रहा है, हमारा जो सर्वे कार्य है वो भी दोषपूर्ण किया जा रहा है। धारा 11 हो, चाहे धारा 21 हो, धारा 16 हो, धारा 19 हो, किसी भी धारा का पालन नहीं किया जा रहा, ना ग्राम सभा हो रही है, लोगों के घर मकान बहुत त्रुटिपूर्ण नापे गए हैं और प्रशासन हर तरफ भर्राशाही मचाए हुए है। किसी के घर का आप देखिए 0 आया है, किसी का 523 रुपये आया है मुआवजा। इतने कम मुआवजे में कैसे लोग जीवन यापन करेंगे? जब भी हम लोग प्रशासन के पास अपनी बात लेके आते हैं कलेक्टर साहब गायब हो जाते हैं, कलेक्टर साहब हमारे ऊपर लाठी चार्ज कराने लगते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए वो सब कराते हैं। चूँकि इस परियोजना के मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष, इसकी जो मूल्यांकन समिति है, जो इसकी उस समिति के वो अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष के नाते हम उनको बताना चाहते हैं कि इस परियोजना में बहुत सारी खामियाँ हैं, पर कलेक्टर साहब हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो हमको लाठी से डराना चाहते हैं, वो हमको डंडे से डराना चाहते हैं, वो हमको और गलत तरीके से डराना चाहते हैं, लेकिन लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर लोग आदिवासी हैं मोदी जी, न्याय चाहते हैं आपके साथ? हम ये चाहते हैं कि देखिए इनमें से ज़्यादातर लोग आदिवासी हैं, इनके घर संसार डूब रहे हैं, इनका मकान घर मकान लिया जा रहा है, जो कानून जो कहता है उस कानून का पालन करते हुए सर्वे किया जाए, इनका विस्थापन किया जाए, इनकी स्वेच्छा से इनको पूछा जाए और इनका जो सर्वे
हैं, इनके जितने पेड़ हैं, इनका जितना मकान है, इनका जितना घर है, इनसे पूछा जाए कि ये गांव छोड़ना भी चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते, और कानून का पालन करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आपको क्या लगता है कानून का पालन नहीं हो रहा है? कानून का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। इसमें आप ये देखिए कि 1% भी कानून का पालन नहीं हो रहा है। जो कानून कहता है, नोटिस भी इनको जो है बैकडेट में दिए जाते हैं। एक तो नोटिस नहीं दिए जाते जब हम लोग आंदोलन करते हैं, नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस एक बैक डेट में दिए जाते हैं। जब डेट निकल गई 13 तारीख को ये उनको वहाँ उपस्थित होना है, पता पड़ रहा 17 तारीख को नोटिस फेंक के चले जाते हैं। बेचारे ये अजागरूक हैं, अशिक्षित हैं। इसमें किसकी साजिश है, कौन लोग ये ऐसा करवा रहे हैं? ये मनमानी है प्रशासन की। प्रशासन का रवैया जो है वो पूर्णतः मनमानी पूर्ण है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से छोटू शुक्ला की रिपोर्ट।